नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अबेकस लेवल 1 का पार्ट 2 करेंगे। उम्मीद करता हूं पार्ट 1 वीडियो में आपने बीड्स को आइडेंटिफाई करना और बीड्स ड्रॉ करना सीख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक विदाउट कॉम्प्लीमेंट्स। दोस्तों, अबेकस 4 टॉपिक्स पर मेनली बेस्ड है। पहले टॉपिक का नाम है विदाउट कॉम्प्लीमेंट्स, जिसे विदाउट फ्रेंड्स भी कहा जाता है। दूसरा टॉपिक है फाइव्स कॉम्प्लीमेंट्स, जिसे फाइव्स फ्रेंड्स भी कहा जाता है। तीसरा टॉपिक है टेंस कॉम्प्लीमेंट्स, जिसे बिग फ्रेंड्स और टेंस फ्रेंड्स भी कहा जाता है। और लास्ट टॉपिक है मिक्स्ड कॉम्प्लीमेंट्स, जिसे मिक्स्ड फ्रेंड्स भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम विदाउट फ्रेंड्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि विदाउट कॉम्प्लीमेंट्स होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, विदाउट कॉम्प्लीमेंट्स को विदाउट फ्रेंड्स भी बोला जाता है, तो आप इसे कॉम्प्लीमेंट्स या फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं। विदाउट कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब है, जब हम इस एबेकस टूल पर एडिशन सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, तब हमें किसी भी तरीके की फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक सम करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं 1 बना देता हूं। ये बन गया हमारा 1। अगर इस 1 में हमें 2 ऐड करना है, हाँ जी 2 ऐड करना है, तो हमें 2 बीट्स को और ऊपर ले जाना पड़ेगा वैल्यू बार की तरफ। तो हमारा आंसर आ गया 3। एक और सम कर लेते हैं, बना देते हैं इस पर 2। तो दोस्तों, ये बन गया हमारा 2। अगर इस 2 में हमें 2 ही ऐड और करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली 2 बीट्स को और वैल्यू बार की तरफ ले जाना होगा और हमारा आंसर आ गया 4। 1 2 3 4। चलिए दोस्तों, एक और नंबर ड्रॉ कर देता हूं मैं। नंबर लेते हैं 3। ये बन गया हमारा 3। अब हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं। 1 ऐड करने के लिए हमें 1 बीट और वैल्यू बार की तरफ ले जानी पड़ेगी, तो ये आंसर आ गया हमारा 4। तो दोस्तों, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, मैंने ऐसा कोई भी सम नहीं बोला जो मैं अभी ना कर पाऊं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं 4 ड्रॉ कर देता हूं और इस 4 में मैं 1 ऐड करने की कोशिश करता हूं। तो 1 ऐड करने के लिए क्या मेरे पास 1 बीड है? नहीं, क्योंकि लोअर बीड्स में सिर्फ 4 ही बीड्स होती हैं और चारों बीड्स हमने वैल्यू बार की तरफ टच करवा दी है। अगर हमें इसमें 1 ऐड करना है तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास नीचे कोई भी बीड अवेलेबल नहीं है। तो विदाउट कॉम्प्लीमेंट्स या फिर विदाउट फ्रेंड्स के टॉपिक का मतलब है, जो बीड्स हमारे पास अवेलेबल है, सिर्फ उन्हीं बीड्स को यूज करके हम आंसर्स लेकर के आए। जैसे कि इस 4 में मैं 1 ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास 1 बीड नीचे है ही नहीं। क्या मैं इसमें 2 बीड्स और ऐड कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि नीचे बीड है ही नहीं। 3 कर सकता हूं? नहीं। 4 बीड्स ऐड हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि नीचे बीड्स ही नहीं है। पर क्या इस 4 में मैं 5 ऐड कर सकता हूं? जी हाँ, ऊपर वाली बीड 5 रिप्रेजेंट करती है, तो इस बीड अपर बीड को जिसकी वैल्यू 5 है, उसको अगर मैं वैल्यू बार की तरफ लेके आऊं, तो यस, मैं इसको ऐड कर सकता हूं। तो 4 में मैंने 5 ऐड किया, तो आंसर आ गया दोस्तों 9। तो ये है हमारा टॉपिक विदाउट कॉम्प्लीमेंट्स। इसी के बेसिस पर आज मैं आपको सिंगल डिजिट का एडिशन सब्ट्रैक्शन करवाऊंगा। तो एक सम ले लेते हैं, 2 + 1। तो दोस्तों, अभी हमारे पास अबेकस टूल पर 0 बना हुआ है, वैल्यू बार पर कोई भी बीट टच नहीं है, अपर बीट्स अपर साइड पर है और लोअर बीट्स लोअर साइड पर है। तो इसका मतलब अभी अबेकस पर 0 बना हुआ है। तो एक सम ले लेते हैं, 2 + 1। 2 + 1 बंद करने के लिए हमें सबसे पहले वंस रॉड, जिसे यूनिट रॉड भी कहते हैं, हमें वहां पर आना होगा और हमें बना देना है 2।
इस 2 में आपको 1 ऐड करना है। 1 बीड और ऐड करने के लिए हम देखेंगे क्या हमारे पास नीचे एक बीड और अवेलेबल है। तो जी हाँ, हमारे पास एक और बीड अवेलेबल है। तो हम इस एक बीड को, 1 बीड को, क्योंकि हमें 1 ऐड करना है, तो हम 1 बीड को वैल्यू बार की तरफ ले जाएंगे। तो दोस्तों आंसर क्या आया हमारे पास? आंसर आया 3, क्योंकि 3 बीड्स अब वैल्यू बार पर टच हो रही हैं। तो हम आंसर लिख देते हैं 3। इसी तरह एक और सम लिख देता हूं मैं, 5 + 3 = 7 - 2 = 4 + 5 = 3 + 6। तो 5 + 3 करने के लिए हमें सबसे पहले अबेकस को 0 बनाएंगे। अबेकस पर जब 0 हो जाएगा तो हम अब ये सम सॉल्व करते हैं। बनाएंगे 5 और 3 बीड्स ऐड करने के लिए, लोअर बीड्स पे हमारे पास 3 बीड्स अवेलेबल हैं, तो हम इसे वैल्यू बार की तरफ ले जाएंगे। तो दोस्तों आंसर आ गया हमारा 8, 5, 6, 7 and 8। अब फिर हम दोबारा 0 बनाएंगे अबेकस पे, क्लियर कर देंगे सारी बीड्स और नेक्स्ट सम देखेंगे, 7 - 2। तो दोस्तों 7 कैसे बनाते हैं, उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। 5 और 2 बीड्स अगर हम और वैल्यू बार की तरफ ले जाएंगे तो बन जाएगा हमारा 7। इस 7 में हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो -2 करने के लिए हम 2 बीड्स को वैल्यू बार से दूर ले जाएंगे, -2। तो दोस्तों आंसर आ गया हमारा 5, क्योंकि अपर बीड ही वैल्यू बार को टच कर रही है। तो आंसर लिख देता हूं मैं 5। अब नेक्स्ट सम ले लेते हैं हम, 4 + 5। तो वंस प्लेस पर मैं बनाऊंगा 4 और इसमें ऐड कर दूंगा मैं 5 डायरेक्ट। तो आंसर आ गया हमारा 9। फिर से 0 कर देता हूं मैं। एक और सम ले लेते हैं, 3 + 6। 3 + 6 करने के लिए हमें 3 बीड्स वैल्यू बार की तरफ ले जानी होगी और इसमें हमें 6 ऐड करने के लिए 5 बीड के साथ एक लोअर बीड की भी जरूरत पड़ेगी। तो क्या हमारे पास दोनों चीजें अवेलेबल हैं? जी हाँ, 5 और नीचे एक बीड अगर हम वैल्यू बार की तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा 6 ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों आंसर आ गया 5 and 4 beads, 9। और दोस्तों जो भी ये वीडियो की मदद से टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कई सेंटर्स में, कई कंपनीज, कई इंस्टीट्यूट्स लेफ्ट या राइट हैंड के बारे में बताते हैं कि रॉड को राइट हैंड से यूज़ करें या लेफ्ट हैंड से यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हम यूनिट रॉड को, वंस प्लेस रॉड को लेफ्ट हैंड से और बाकी सारे अबेकस टूल को हम लेफ्ट हैंड से ही ऑपरेट करें। ये बिल्कुल सरासर एक गलत थियोरी है। जो भी आपको सम दिया जाता है, बच्चों को जब आप बताएंगे तो आपको उनको फ्री रखना है। आपने उनको बस इन बीड्स को ड्रॉ करना, आपने सम्स की कैलकुलेशंस करना बताना है। अगर बच्चा एक हाथ से करने में कंफर्टेबल है तो वो एक हाथ को यूज़ कर सकता है। अगर वो दोनों हाथों से करना चाहता है तो उसे दोनों हाथों से करने दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली अबेकस टूल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद इस अबेकस टूल को बच्चे को अपने दिमाग में इमेजिन करना है और अपने दिमाग में ही अबेकस को टूल को इमेजिन करके उसे सम्स के आंसर देने होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लेफ्ट या फिर राइट हैंड में आप बच्चे को कंफ्यूज कर दें। बच्चे को बस कॉन्सेप्ट समझाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अबेकस टूल पर सम्स दे करके प्रैक्टिस करवानी है, जिसे बच्चा जल्दी से जल्दी अबेकस अपने दिमाग में इमेजिन कर पाए। तो चलते हैं थोड़े और बड़े सम्स की तरफ। तो दोस्तों सिंगल डिजिट्स के ही हमने 2 रोज एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए थे, अब हम सिंगल डिजिट्स में ही 3 रोज के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो एक सम लिख देता हूं मैं यहां पर, 3 + 1 + 5। तो दोस्तों ये सम हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 3 बीड्स को ऊपर ले जाएंगे, उसके बाद हमें 1 और ऐड करना है। तो 1 बीड हमारे पास अवेलेबल है तो हम इसको भी वैल्यू बार की तरफ ले जाएंगे और हमें 5 भी ऐड करना है।
5 ऐड करने के लिए हमें एक बीड ऊपर से वैल्यू बार की तरफ ले जानी होगी। तो ये बन गया दोस्तों हमारा 9। तो आंसर आ गया 9। एक और सम ले लेते हैं, 5, 4, -3। तो दोस्तों 0 बना देते हैं हम अबेकस पे। सबसे पहले बना देंगे 5, फिर ऐड कर देंगे 4 और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3। 3 सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या हमारे को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास 3 बीड्स अवेलेबल है? जी हाँ, ये 3 बीड्स हम नीचे ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा -3। तो आंसर आ गया हमारा 5 के साथ 1 बीड अवेलेबल है, तो आंसर बनता है हमारा 6। एक और सम ले लेते हैं सिंगल डिजिट 3 रोज का। +3 +5 -2। +3 करने के लिए हम 3 बीट्स वैल्यू बार की तरफ ले जाएंगे, +5 करने के लिए डायरेक्ट 5 ऐड हो जाएगा, -2 करने के लिए हम 2 बीट्स हटा देंगे। तो दोस्तों आंसर आ गया हमारा 6। तो दोस्तों एक और सम ले लेते हैं, 3 -2 +6। तो 3 बनाने के लिए हम 3 बीड्स वैल्यू बार की तरफ ले जाएंगे, -2 करने के लिए 2 बीड्स हम वापस ले आएंगे और 6 ऐड करने के लिए हमें 5 के साथ 1 बीड और वैल्यू बार की तरफ ले जानी होगी। तो दोस्तों आंसर आ गया 5 and 2 beads 7। तो हम 7 लिख देंगे यहाँ पे। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैं आपको एक और टिप देता हूँ, अगर आप ये बच्चों को करवाएंगे तो शुरुआत में ही बच्चा एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बहुत अच्छे और क्लैरिटी से समझ सकता है। तो मैं सारे सम्स को रब कर देता हूँ और डायरेक्ट टूल पे मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक मेथड बताता हूँ। 0 बना लेंगे। तो दोस्तों हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये भी एक छोटी सी टिप है और बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल ट्रिक रहती है ये। +1 -1, हम 1 से लेकर 25 तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाएंगे, जो बीड हम एडिशन में लेके आएंगे वही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है। +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 +5 -5 +6 5 के साथ एक और बीड -6 +7 के लिए ऊपर 5 नीचे 2 बीड्स -7 +8 -8 +9 -9। तो दोस्तों यहां पर थोड़ा डिफिकल्ट है और वैसे भी ये मास्टर अबेकस है, इस पर हम क्लासेस लेते हैं। जब बच्चे अपने स्टूडेंट टूल पर ये प्लस और माइनस परफॉर्म करेंगे तो उनके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि ये टूल बहुत ही हैंडी होता है, इसमें बच्चे इजीली कोई भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाते हैं। तो और आपने ये रेगुलरली चेक करना है कि बच्चा इस टूल पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं। मैं रिपीटेडली कई टीचर्स को ये बात बोलता हूँ, आपके बच्चों में रिजल्ट इसलिए ही नहीं आ रहा, पेरेंट्स भी इसलिए कंप्लेंट करते रहते हैं, क्योंकि बच्चे ऑन टूल एबेकस टूल पर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करते ही नहीं है। वो एक या दो सम्स की शीट को सॉल्व करके और ये उम्मीद करते हैं कि हम अब मेंटल मैथ्स कर पाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। एबेकस टूल पर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, करवाएं, तभी ये पॉसिबल होगा कि यह एबेकस टूल बच्चे एक किसी टाइम पर आकर के छोड़ दें और ये उनको इतना इजी लगने लगेगा कि वो अपने ब्रेन में ही इस अबेकस टूल को इमेजिन करके आंसर्स दे पाएंगे। तो 1 से लेकर 9 तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, 10 बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है 10 बनाने के लिए हमें लेफ्ट साइड पर आना होगा, वंस के साथ 10 स्लॉट भी यूज करेंगे, 1 0। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कोई भी बीट टच नहीं होती तो 0 माना जाता है। 1 0 बन गया 10। -10 करने के लिए दोस्तों हम 10 स्लॉट पर इसे नीचे लेके आ गए। +11 करने के लिए हमें
दोनों रॉड्स पर एक एक बीड हमने वैल्यू बार की तरफ ले गए, ये बन गया 11। माइनस 11 करने के लिए दोनों बीड्स हम नीचे ले आए, प्लस 12 करने के लिए 1, 2, 12, माइनस 12 करने के लिए -1, -2, प्लस 13, 1, 3, -13, प्लस 14, -14, प्लस 15, -15, प्लस 16, -16, प्लस 17, -17, प्लस 18, -18, प्लस 20। तो दोस्तों 10 स्लॉट पे मैं 2 बनाऊंगा और 1 स्लॉट पे मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगा, तो ये बन गया 2020। -20 प्लस 21, 2121, -21 प्लस 22, 2222, -22 प्लस 23, -23 प्लस 24, -24 प्लस 25, -25। तो इसी तरह बच्चा 1000 तक आप उसको प्रैक्टिस करवाएं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। बच्चा जब प्लस 1 माइनस 1 करते करते प्लस 1000 माइनस 1000 तक पहुंच जाएगा, तो अपने आप ही उसकी फिंगर मूवमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको ये सिखाएं थंब से ही इसको जो है ऊपर खींचना है, और जो है इंडेक्स फिंगर से ही हमें से नीचे लेकर के आना है, और जो है 5, 6, 7, 8 टाइम को हमने पिंच इन और पिंच आउट ही करना है। आपने बस बच्चे की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सम सॉल्व करने हैं। कई बच्चे दो हाथों से कंफर्टेबल हैं तो वो दो हाथों से करें, अगर कोई बच्चा एक हाथ से करना चाहे तो एक हाथ से करें, बट मेक श्योर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सम्स की प्रैक्टिस करे। तो इस टॉपिक की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट्स का लिंक दे देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे ब्लॉग पर पहुँच जाएंगे gopalsidhu.com पे, और आप वहाँ से वो शीट्स देख भी सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।